दोस्तों, गोल्ड यानी कि सोना किसको पसंद नहीं होता। खासकर ये भारत की महिलाओं की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीजों में से एक है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को बस सोने की कीमत बाजार में क्या चल रही है यही पता होता है, उसके अलावा कुछ पता नहीं होता। जी हाँ, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सोने के पहाड़ों से सोना कैसे निकाला जाता है, कॉपर के बर्तन और इलेक्ट्रिसिटी वायर कैसे बनाए जाते हैं, पेड़ों से पेपर कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल एंट्रा पेंट्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर मेकिंग प्रोसेस की। दोस्तों, ये बात तो हम सबको पता है कि कॉपर कितना महत्वपूर्ण धातु है, जिसका सबसे ज्यादा यूज इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में किया जाता है। अगर हम कॉपर बनाने की प्रोसेस के बारे में जाने तो हम आपको बता दें कि कॉपर हमें जमीन के नीचे से प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी कॉपर की खदानों में विस्फोट किया जाता है। विस्फोट होते ही कॉपर मिट्टी और अन्य चीजों के साथ छोटे बड़े टुकड़ों में बदल जाता है और उसके बाद इन टुकड़ों को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद कॉपर को एक बड़ी मिक्सिंग मशीन में डालकर इसको पीस कर इसका बारीक पाउडर बना दिया जाता है। आपको बता दें कि इस कॉपर में 70% शुद्ध कॉपर होती है और 30% मिट्टी और कंकड़ जैसी चीजें होती हैं। जब ये कॉपर पाउडर के रूप में बदल जाता है, उसके बाद कॉपर पाउडर में पानी और तेल को डालकर फ्लोटेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है, जिससे कॉपर पाउडर तेल और पानी के ऊपर तैरने लगता है। फिर इसके बाद ऊपर तैर रहे कॉपर पाउडर को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तहत अलग कर दिया जाता है। इसके बाद कॉपर को चूना और पत्थर के साथ मिलाकर भट्टी के अंदर गर्म किया जाता है। इसके बाद शुद्ध पिघला हुआ कॉपर भट्टी से बाहर निकल आता है और फिर ये ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है। इस तरह से हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इस कॉपर से कॉपर के बर्तन और इलेक्ट्रिसिटी वायर जैसी कई अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं पेपर मेकिंग प्रोसेस की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कागज को कैसे बनाया जाता है? और अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बता देते हैं कि कागज को कैसे बनाते हैं। आपको बता दें कि कागज बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे पेड़ों को काटा जाता है जिसमें फाइबर यानी कि लकड़ी के रेशों की मात्रा ज्यादा हो, और उसके बाद इन सब पेड़ों को इकट्ठा करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है। उसके बाद इन पेड़ों को फैक्ट्री में ऐसी मशीन्स के अंदर डाला जाता है जिससे इन पेड़ों के ऊपर की सारी छाल को निकाल दिया जाता है और इन पेड़ों के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए जाते हैं। इन्हें हम वुड चिप्स भी कहते हैं। और अब इन चिप्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर टैंक में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन वुड चिप्स को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ उबाला जाता है जिससे वुड फाइबर और लिग्न अलग हो जाता है और वुड फाइबर काफी हल्का भी हो जाता है। उसके बाद इसे पानी से साफ कर दिया जाता है जिससे इसका एसिडिक सॉल्यूशन भी निकल जाता है। लेकिन अभी भी ये इतना साफ नहीं होता है। इसके बाद इसकी क्लोरीन प्री ब्लीचिंग की जाती है। ऑक्सीजन ओजोन पेरोक्साइड की मदद से अब इस वुड फाइबर को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी ऐड किया जाता है। अगर इसी में कलरफुल कागज बनाना हो तो इसी में कलर ऐड कर दिया जाता है। अब इस सारे मिक्सचर को पेपर मशीन के अंदर भेज दिया जाता है और ये मशीन ही बाद में इसे पेपर में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद इस पेपर को एक गर्म चेंबर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर हॉट रोलर लगे होते हैं जिसमें पेपर इन रोलर के बीच में से गुजरता है, तो इसका बचा हुआ सारा पानी सूख जाता है और पेपर बिल्कुल सूखा बाहर निकलता है। इसके बाद इस पेपर को एक बड़े रोल पर लपेट लेते हैं और फिर इन्हें छोटे छोटे रोल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर इन्हें उन फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है जहाँ पर न्यूज़पेपर और बुक्स वगैरह बनाई जाती है। अब आखिर में हम बात करते हैं गोल्ड मेकिंग प्रोसेस की। दोस्तों, सोने के खाने अंटार्कटिका के अलावा सभी महाद्वीपों में मौजूद हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो अब भारत के अंदर कोई सोने की खान मौजूद नहीं है। कर्नाटक के अंदर कोलार खान ही भारत की एकमात्र सोने की खान थी, जिसके अंदर सन 1951 से लेकर 2001 तक 9 लाख किलो सोना निकाला गया। लेकिन साल 2001 में इस कोलार माइन को बंद कर दिया गया क्योंकि इस खान के अंदर से सोना निकलना बंद हो गया था। दोस्तों, खानों के अंदर से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं होता है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सोना कभी भी एक ही जगह पर रुका नहीं रहता। सोना मिट्टी, पत्थर या ईंट के बीच में छोटे छोटे कणों के बीच में मौजूद होता है। सोना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सोने के खड़े पहाड़ या अंडरग्राउंड खानों में विस्फोट करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 टन पत्थर के अंदर से लगभग 4 ग्राम सोना निकल जाता है। सोना जमीन के किस हिस्से में मौजूद है ये सबसे पहले वैज्ञानिक पता लगाते हैं और फिर डायनामाइट की मदद से उस जगह पर विस्फोट कर दिया जाता है। दोस्तों, 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है जिसमें करीब 300 टन मलबा निकलता है
अब इस निकाले गए पत्थर को बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीन में डालकर इन पत्थरों को पीस दिया जाता है और इसका बारीक पाउडर बना दिया जाता है। इस बारीक पाउडर को पानी के साथ मिलाकर इसको एक वाइब्रेटिंग मेजनुआ मशीन पर डाला जाता है। इस मशीन के अंदर पहले से ही बड़ा और मोटा सा कंबल डाला रहता है। थोड़ी देर के बाद इस कंबल को निकाला जाता है और तब इस कंबल पर सोने के कण चिपक जाते हैं और ये प्रक्रिया बार बार और कई बार दोहराई जाती है और ये तब तक दोहराई जाती है जब तक सारे सोने के कण इन पत्थरों से निकल नहीं जाते। अब इन कणों को 13 डिग्री सेल्सियस पर भट्टी में गर्म किया जाता है जिसके बाद इसमें सोने की ईंटें, सोने के बिस्किट आदि बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमें सोना प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छी मेकिंग प्रोसेस कौन सी लगी, नीचे कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।